हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो एंड आई एम डॉक्टर सौम्या श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में कि हेयर फॉल होता क्या है, कितने टाइप का होता है, क्या कॉजेज होते हैं। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगी और मैं कुछ आपको प्रिवेंशन के तरीके बताऊंगी जिनको यूज करके आप अपने हेयर फॉल के प्रॉब्लम में रिलीफ पा सकते हैं। आप इसे एलोपीशिया, बाल्डनेस किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, हेयर फॉल होता क्या है? जनरली हेयर फॉल जो है, जो हमारे हमारे जो हेयर की लाइफ साइकिल होती है वो 2 से 4 ईयर तक की होती है। सो 2 से 4 साल के बाद हमारे जो हेयर्स हैं जिनकी लाइफ साइकिल पूरी हो चुकी होती है वो शेड ऑफ होने लगते हैं, मतलब टूटने लगते हैं, और 2 से 3 महीने तक ये लगभग टूटते हैं। उसके बाद उसके स्थान पर नए बाल, हेल्दी हेयर ग्रो करने लगते हैं और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। और हमारे जो सर में, हमारे स्कैल्प में करीब 10 से 15 लाख हेयर फॉलिकल्स होते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हमारे 70 से 80 इवन 90 तक भी हमारे बाल टूटते हैं, झड़ते हैं और उसके स्थान पे नए बाल आते हैं तो ये नॉर्मल सिचुएशन कहलाती है, नॉर्मल। इसको हेयर फॉल नहीं कहेंगे। हेयर फॉल अगर हमारे बाल टूट रहे हो, उसके स्थान पे हेल्दी हेयर नहीं ग्रो हो रहे हैं, तो इसको हम हेयर फॉल की कैटेगरी में रखेंगे। ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जनरली यंगस्टर में, मेल फीमेल में, हर एज ग्रुप में आपको देखने को आजकल मिल जा रही है। इसके कई कॉजेस होते हैं। जनरली जो इसका कॉज होता है वो मेनली जो कॉज होता है वो इसका स्ट्रेस, मतलब आजकल हर व्यक्ति हर छोटी छोटी चीज को लेके इतना स्ट्रेस लेता है जिसका असर उसके ब्रेन पे पड़ता है और हमारे जो स्ट्रेस की वजह से हमारे जो हेयर्स हैं उनमें फॉलिंग होने लगती है, वो शेड ऑफ होने लगते हैं और हेल्थी हेयर ग्रो नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो कॉज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। मेल हार्मोन इम्बैलेंस, फीमेल हार्मोन इम्बैलेंस, इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी के दौरान जो है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बाल टूटते हैं। तीसरा जो कॉज है वो पीसीओएस और पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मीन हमारी ओवरी में एक से ज्यादा सिस्ट का होना, इट्स ऑल्सो कॉज ऑफ द हेयर फॉलिंग। कई मेडिकेशन से लाइक कीमोथेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल्स जो लेडीजें लेती हैं, या उसके बाद जो अदर भी मेडिसिन आती है लाइक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, ब्लड थिनर मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन होंगे। अगर किसी को थायराइड है तो जनरली ये भी एक कॉज हो सकता है हेयर फॉलिंग का। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट, आजकल इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कि अपने हेयर्स को स्टाइल करने के लिए, नए नए हेयर स्टाइल देने के लिए काफी प्रोडक्ट यूज हो रहे, तो ये भी एक कॉज हो सकता है हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट। और मेन जो कॉज जो जनरली कोई ध्यान ही नहीं देता है इस पे, वो है विटामिन डी की डिफिशियंसी। विटामिन डी की डिफिशियंसी से भी हमारे हेयर लॉस होते रहते हैं, लॉस होते हैं। न्यूट्रिशन, हमारे बालों को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, हम लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, इस वजह से भी हमारे हेयर फॉल्स होते हैं। तो ये हो गए कुछ कॉज। अब हम बात करते हैं कि हेयर फॉल कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों, जो पहला हेयर टाइप होता है वो है मेल पैटर्न, मींस मेल के जो हेयर फॉल होते हैं वो जनरली लाइक यहां से बाल शेड होना शुरू होते हैं, फिर या किसी किसी के बीच से ही बाल हट जाते हैं, धीरे धीरे हल्के हल्के बाल हटने लगते हैं, या डब्लू शेप या ओवल शेप में बाल झड़ने लगते हैं। फीमेल में क्या होता है, बीच की जो मांग्स होती है यहां पर हल्के 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 बाल झड़ना शुरू होते हैं, मतलब यहां से उनका ये बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। सो ये फीमेल पैटर्न हो गया। इसके क्या मेल के पैटर्न के जो कॉजेस होते हैं लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, स्ट्रेस हो गया, कुछ मेडिकेशंस हो गई। फीमेल पैटर्न के जो कॉज होते हैं वो भी स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस और कुछ मेडिकेशंस लाइक बर्थ कंट्रोल पिल्स। सो इसी तरीके की और भी पिल्स होती हैं या और भी मेडिकेशंस होती हैं उसके अलावा, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी भी ये चीजें देखने को मिलती हैं। और हमारा जो तीसरा टाइप है वो थिनिंग ऑफ हेयर, मींस मैं जो बालों की डेंसिटी है उसका जो है पतला होना, मतलब हमारे बालों की डेंसिटी का कम होना, तो इट्स नॉर्मल, ये तो जनरली लोगों में देखने को मिलता ही है। और हमारा जो चौथा टाइप है वो है एलोपीशिया एरेटा। इसमें जो हेयर फॉल होता है लाइक पैचेस, कहीं इतनी दूर पे गोल गोल पैचेस के रूप में हमारे वहां से बाल का झड़ जाना, किसी किसी के दाढ़ी में या आईब्रोज के हेयर झड़ने लगते हैं। सो ये कुछ पैटर्न्स के लाइक पैचेस लाइक इसमें हेयर फॉलिंग होती है, इसको एलोपेशिया एरेटा कहते हैं। सो ये हो गए
टाइप्स। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि आप किस सिचुएशन पे किस टाइप क्या मेडिसिन आप ले सकते हैं, जिनको यूज करके अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स आप अपने हेयर फॉलिंग की जो दिक्कत है उसमें काफी हद तक रिलीफ पा सकते हैं। सो हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है एसिड फ्लोर 30। एसिड फ्लोर 30 का जो सिम्टम्स होता है उसमें किसी लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही है या टाइफाइड फीवर लाइक कोई भी डिजीज के बाद उसके ठीक होने के बाद अगर हमारी जो हेयर में जो हेयर फॉलिंग होने लगती है, नए हेयर्स नहीं आते हैं और जो पुरानी जो हेयर्स है वो टूटने लगते हैं, सो इस तरीके की अगर दिक्कत किसी व्यक्ति में देखने को मिलती है सो उसमें एसिड फ्लोर 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। हमारी जो दूसरी मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फास्ट 30। मीन्स इसमें जो सिम्टम्स होता है अगर आप कॉम करते हैं अपने बालों को सो उसमें गुच्छे के रूप में जनरली ये फीमेल्स लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि जब वो हेयर कॉम करती हैं सो जो बाल पूरे कॉम में एक गुच्छे के रूप में टूटते हैं, इतने ज्यादा टूटते हैं कि देख के लगता है कि अब तो मेरे सर से बाल बिल्कुल भी चले गए। सो अगर ऐसी स्थिति किसी में देखने को मिलती है तो उसमें कैल्केरिया फास्ट 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। हमारी जो तीसरी मेडिसिन है वो है फेरम फास्ट 30। ड्यू टू एनीमिया अगर किसी व्यक्ति में हेयर फॉल होता है सो उसमें फेरम फास्ट 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। हमारी जो चौथी मेडिसिन है दोस्तों वो है काली कार्प 30। अगर किसी की हेयर में डैंड्रफ की वजह से या स्कैल्प में ड्राइनेस की वजह से अगर हेयर फॉलिंग होती है सो उसमें काली कार्प 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। हमारी जो पांचवी मेडिसिन है दोस्तों वो है सीपिया 30 और कार्बोवेश 30। इन दोनों को एक साथ मिक्स करके लेना है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं कि अगर किसी के हेयर फॉल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ या आफ्टर प्रेगनेंसी अगर किसी के हेयर फॉल एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहे हैं, जनरली ये होता है कि ये प्रेगनेंट वुमेन्स में जब आफ्टर चाइल्ड बर्थ, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हेयर फॉलिंग की दिक्कत किसी किसी लोगों में देखने को मिलती है, बट आफ्टर चाइल्ड बर्थ या जो नर्सिंग करती हैं मदर्स उनमें ये दिक्कत देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। सो उसमें सीपीआर 30 एंड कार्बोविश 30 का जो मिक्सचर है ये दोनों मेडिसिन उसमें बहुत ही अच्छा वर्क कहती है। इसकी भी आप इन दोनों को मिलाकर इक्वल अमाउंट में इसकी भी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों ऐसी वुमेन्स में जिनको ये आफ्टर प्रेगनेंसी दिक्कत हेयर फॉलिंग की दिक्कत देखने को मिलती है। सो ये रही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रिवेंशन के तरीके जिनको यूज करना बहुत ही जरूरी होता है कि हमारे जो हेयर्स हैं वो दवा के साथ साथ हमें नेचुरली भी उनको जो है प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ प्रिवेंशन के टिप्स। सो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने जो हेयर में ऑयलिंग है वो या तो ऑलिव ऑयल से या कोकोनट ऑयल से अच्छे से मसाज करनी चाहिए। या तो आप नहाने के 1 घंटा पहले या फिर 1 दिन पहले अपने बालों को अच्छे से इस ऑयल से मसाज करें, देन आप उसको अगले दिन वॉश करें। हफ्ते में 2 दिन तो आपको वॉश करना ही चाहिए अपने बालों को। और यूज करने के लिए आप माइल्ड शैम्पू का यूज करें, हार्श शैम्पू का बिल्कुल भी यूज नहीं करें। अब आप सोचेंगे कि आप माइल्ड शैम्पू कैसे बनाएं, कहां से लेके आए, आपके पास तो माइल्ड शैम्पू है ही नहीं। सो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको। जो भी आप हेयर वॉश के लिए अपना शैम्पू यूज करते हैं उसको अपने हाथों पर लीजिए, उसमें हल्का सा पानी मिलाइए, उसका सोल्यूशन जो बहुत ही थिक है वो डिजोल्व हो जाएगा, डायल्यूटेड हो जाएगा, देन उससे आप अपने हेयर को वॉश करिए। इस तरीके से आप माइल्ड शैम्पू यूज कर सकते हैं। आप कहीं भी बाहर निकलिए या बहुत सन एक्सपोजर ना हो या ठंड में या ह्यूमिडिटी में अपने बालों को कवर रखे रखें, जिससे उनकी जो नेचुरल शाइनिंग है, जो नेचुरल सॉफ्टनेस है वो बरकरार रहे। बाहरी धूप धूल से बालों को कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। दूसरा, आप जब अपने बालों को कॉम करिए तो बहुत ही जेंटली कॉम करिए। मीन्स आप इतना खींच के या उसमें स्ट्रेंथ लगा के उसमें कॉम करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपके बाल
ऑटोमेटिकली टूटेंगे। और गीले बालों में तो बिल्कुल भी नहीं वॉश कॉम करिए, अगर जब आपके बाल सूख जाएं उसके बाद ही आप कॉम करिए। तीसरा हेयर, नेक्स्ट जो आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं लाइक हेयर स्ट्रेटनर हो गया, कर्लिंग मशीन हो गई, हेयर स्प्रे हो गया, हेयर जेल हो गया, इन चीजों का आप बहुत ही कम यूज करिए। अगर आपको किसी पार्टी पार्टी में जाना हो तो ही आप इन चीजों का यूज करें, अदरवाइज इन चीजों का यूज करने की जरूरत नहीं है। ये मेल्स के लिए भी है कि वो अपने हेयर जेल का ज्यादा यूज करते हैं, लाइक आजकल जो स्पाइक्स बनाने होते हैं या अपने बालों को शेप देना होता है तो उसके लिए वो जनरली रोजमर्रा में भी आप हेयर जेल का यूज करते हैं, इट्स ऑल्सो कॉज ऑफ द हेयर फॉलिंग। सो आप इन चीजों का कम यूज करें। इसके जगह पे अगर आपको बहुत ज्यादा वो करना है तो आप ऑयल यूज कर सकते हैं, हेयर जेल का यूज बिल्कुल भी नहीं करें जनरल मतलब नॉर्मल रूटीन में। अब हम बात करते हैं कि अब आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपके जो हेयर्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आए और वो हेयर फॉलिंग होने से उसमें बचत हो। दोस्तों हमें अपने खाने में जो है प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज करके रखना है। लाइक प्रोटीन हमें दाल से मिलता है, स्प्राउट से मिलता है, एग से मिलता है, फिश आप यूज करिए, मीट खाइए, चिकन खाइए, सो इन सब चीजों से प्रोटीन मिलता है। और अपने खाने में विटामिन सी लाइक आप मौसमी का जूस यूज कर सकते हैं, नींबू खा सकते हैं, संतरा का जूस यूज कर सकते हैं, सो विटामिन सी की मात्रा को बढ़ा के रखें। स्ट्रेस कम लें, जितना ज्यादा कम स्ट्रेस लेंगे उतना कम हेयर फॉल आप हो गए। पानी जितना से ज्यादा हो सके उतना से ज्यादा पानी पिए। विटामिन ए, विटामिन फॉलिक एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जनरली जो ग्रीन लीव्स वाली जो जितनी भी वेजिटेबल्स होती है उनमें अमीनो एसिड बहुत ही अच्छा मिलता है। सो आप ग्रीन लीव्स वाली जितनी भी हरी सब्जियां जिनको आप बोलते हैं, हरी सब्जियों का यूज अपने खाने में ज्यादा करें। सैलड खाएं, फ्रूट्स खाएं, कोकोनट वाटर पिए, आप इन सारी चीजों का यूज करके अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम में निजात पा सकते हैं। सो ये रही कुछ मेडिसिन, कुछ प्रिवेंशन टिप्स। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको मदद मिलेगी कि आप कैसे अपने हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।